रदिया क्षेत्र के मुर्गिया टोला से एक मामला सामने आया है। पिछले दिनों गोपालगंज के कमला राय कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा देकर वापस लौट रहे मुर्गिया टोला के छात्रों को गोपालगंज जिले के चुरिहारी टोला गांव के युवकों द्वारा स्कॉर्पियो और मोटरबाइक में साइड देने के लेकर बहस हो गई। बहस इतनी आगे बढ़ गई कि चुरिहारी टोला के युवक अपने गाँव में कॉल करके भारी संख्या में नौजवानों को बुलाकर 6 छात्रों की कुटाई कर दी। अपने बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। अपनी दबंगई से चुड़ियारी टोला के युवकों ने गाड़ी को भी नहीं उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया, यह आरोप छात्रों ने लगाया है। वहीं पीड़ित छात्रों की तरफ से कहा गया कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड सहित मोबाइल व अन्य चीजों को भी छीन लिया गया। इस संबंध में मुर्गिया टोला निवासी शमशाद मियां के पुत्र इंजमाम खान ने बढ़रिया थाने में 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। ये मामला अब कानूनी शिकंजा की ओर जा चुका है, लेकिन छात्रों ने बताया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग इंसाफ के गुहार प्रशासन से लगा रहे हैं। जब तक इस मामले में हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह छात्रों पर हमला किया गया। चुड़ियारी टोला के नौजवानों की दबंगई से छात्र डरे और सहमे हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि दबंगों पर प्रशासन कार्रवाई बिना विलंब करना चाहिए, नहीं तो आए दिन इस तरह की घटना का अंजाम देते रहेंगे। अगर आज छोड़ दिया जाता है, कल फिर हमला कर सकते हैं, ताकि गोपालगंज जाने की मात्र सीधा एक ही वही रास्ता है। इसलिए प्रशासन बिना विलंब के एक्शन ले और उन लोगों को गिरफ्तार कर कानून के मुताबिक सजा दे। पीड़ित छात्रों के परिवार से जब हमारी टीम की बात की गई, तो उन लोगों का कहना है कि थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई के आसार नहीं दिख रहे हैं। ये मामला डिजिटल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक पहुँच गया है।